हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको 12 वोल्ट का बैटरी चार्जर बनाना सिखाऊंगा और उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको 3 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर चाहिए। ये हमारे पास 0-12 का ट्रांसफार्मर है, देखिए 0-12 का ट्रांसफार्मर, और 4 हमें ये डायोड चाहिए। ये 54-08 हैं, देखिए ये 4 डायोड चाहिए। एक हमें इंडिकेटर चाहिए, देखिए, और एक हमें 1K की रेजिस्टेंस चाहिए, और 2 हमें इस प्रकार चिमटी चाहिए, देखिए ये चिमटी, और 2 हमें वायर रेड और ब्लैक हमने इसके संग अटैच कर रखी हैं। अब हम इसको आपको बना कर दिखाते हैं। सबसे पहले तो आपको इन डायोड का ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है। वो किस प्रकार बनाना है मैं आपको अभी वीडियो में बताता हूँ। देखिए ये जो आपको दिख रही है सफ़ेद सफ़ेद पट्टी, देखिए देखिए देखिए, इनको आपस में आपने जोड़ देना है सफ़ेद पट्टी को। देखिए इस प्रकार हमने इसको जोड़ा, इस प्रकार हमने इसको, देखिए हमने इनको जोड़ दिया आपस में। देखिए ब्लैक वाली पट्टी को हमने जोड़ा, और अब हमारे पास ये दो डायोड बचे। देखिए इनको हमें जो ब्लैक, उनके तो हमने वाइट पट्टी जोड़ी थी, अब इनके हमें ब्लैक सिरा दोनों को जोड़ना है। देखिए हमने इनके ब्लैक सिरों को यह जोड़ दी। देखिए 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 इन ब्लैक सिरों को जोड़ा, और अब हमें इसको अच्छी तरह से टाइट करना है। और अब हम देखिए, अब इन दोनों सिरों को हमें इस तरह से जोड़ना। देखिए चाहे आप इस तरह जोड़ें चाहे इस तरह, कोई फर्क नहीं होगा, हमें इस तरह से हमें इनको जोड़ना है। देखिए इस तरह हमने जोड़ा, और देखिए ये भी हमें इस तरह से हमने इनको जोड़ा। हम प्लास की सहायता से इसको टाइट कर देंगे। देखिए देखिए टाइट किया। देखिए अब देखिए ये हमारा जो दो वाइट पट्टी है, ये वाइट पट्टी है, ये हमारा पॉजिटिव है, और ये ब्लैक पट्टी है ये हमारा नेगेटिव है। और ये दो जो इसके ये दो सिरे हैं, इन पे हमें ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट की वायर है वो लगानी है इन पे। देखिए अब ध्यान से देख लें दोस्तों, इस तरह आपने ब्रिज एक्टिवेटर तैयार करना है। देखिए अब हमें इस पे सबसे पहले शोल्डरिंग करनी है। शोल्डरिंग की देखिए, देखिए हमने शोल्डरिंग की, और अब हम इन पे दोनों वायर को एक उस तरफ और एक इस तरफ लगा देंगे। देखिए हमने इस पे लगाई, देखिए हमने दो वायर लगा दी। देखिए ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव। अब हमें जो इंडिकेटर का पॉजिटिव पॉइंट है उस पे हमें इस रेजिस्टेंस को एक साइड से जोड़ना है। देखिए इस तरह से हमें इस पे हमें ज्वाइंट करना है। देखिए 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 हमें जोड़ा, देखिए अब हमें जो हमारे जो दो वायर आ रहे थे ट्रांसफार्मर के आउटपुट से, उस पे हमें इसको लगाना है। देखिए आप इस तरह भी लगा सकते हैं इसमें, और इस तरह भी लगा सकते हैं इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब पर आपने जब पॉजिटिव पे लगाना हो, नेगेटिव पॉजिटिव पे 12 वोल्ट पे, जब आपको इसको ये पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगेगी और नेगेटिव पे नेगेटिव ही जलेगी, जब ही जलेगी ये, आप इसमें जिस तरह मर्जी लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। देखिए हमें इसको शोल्डरिंग करना है, और हमें इस इंडिकेटर की एक लेग को यहाँ पे और दूसरी को हमने यहाँ पे इसको ऐसे अटैच करना है। देखिए 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 ये हमने ऐसे अटैच की, और अब हमें जो इसका नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव, उस पे हमें जो दो वायर बच थी हमारे पास चिमटी लगी हुई, उसको लगाना है।
दोस्तों ये बड़ा ही आसान है और आप इसको बड़ी आसानी से घर पर बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने ये रेड वायर को ली, देखिए रेड वायर को आपने जो दो वाइट पट्टी हमने इस तरफ से जोड़ी थी उसी तरफ हमने इसको लगाना है। देखिए देखिए ये हमने रेड को इस तरफ लगाया रेड वायर को। दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करें। देखिए हमने इस तरफ ये नेगेटिव लगाई, देखिए थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए देखिए आपको दिखा दे, देखिए दिखा देखिए मैं, ये हमने जो पट्टी वाली वायर थी दो उस पर हमने रेड वायर लगाई और ये दो ब्लैक वायर थी उस पर हमने ये हमने ब्लैक वायर लगाई और जो वाइट पट्टी वाली थी उस पर हमने रेड वायर लगाई। देखी और जो दो इनके सिरे थे डायोडर के उस पर हमने और ट्रांसफार्मर की आउटपुट की वायर लग दी। देखिए दिख रहा होगा आपको कैमरे में। देखिए तो अब हम इसमें एसी सप्लाई देंगे और आपको इस पर वोल्टेज टेस्ट करवाएंगे। देखिए हमारा इंडिकेटर ग्लो हो गया, इसमें लाइन आ गई। देखिए अब हमें इस पर वोल्टेज, देखिए हम आपको वोल्टेज टेस्ट करवाते हैं। देखिए ये हमने, देखिए आपने 20 वोल्ट डीसी पे रखना है इसको। देखिए ये हमने नेगेटिव पे नेगेटिव और पॉजिटिव पे पॉजिटिव, देखिए देखिए 12.5 वोल्ट, देखिए बिल्कुल परफेक्ट वोल्टेज बने हैं दोस्तों। देखिए और अब हम आपको, हमारे पास ये बाइक की बैटरी है सेल्फ स्टार्ट की जो कि हमारे इस पर सेल्फ नहीं उठा रही थी। आप यूपीएस की बैटरी भी इससे चार्ज कर सकते हो और आप बाइक की बैटरी भी चार्ज कर सकते हो। देखिए हमें इसको वोल्टेज दिखाता हूँ बैटरी पे, देखिए ये हमारा पॉजिटिव, देखिए देखिए 9.5 वोल्ट के करीब है जो कि, जबकि ये 12 वोल्ट की बैटरी है, इस पर 12 वोल्ट से ऊपर ही वोल्टेज होने चाहिए। देखिए ये डाउन है बैटरी। अब हम इस पर क्या करेंगे, देखिए हमें इस पे रेड, देखिए हमने इस पे इस तरह लगाया और पॉजिटिव पे नेगेटिव, देखिए ये हमारी बैटरी इससे चार्ज होगी। दोस्तों आपने भी जब भी चार्जर तैयार करना है इस तरह से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।